Today's our topic is simple equation. Class 7. Class 7 में unit 4 के अंदर simple equation का एक unit है, जिसमें आपको solutions of equation, जो simple equation दी हुई है उनका solutions करना है, इसके आपको methods दी हुई है, दोनों को अपन discuss करेंगे। और सबसे पहली चीज तो ये है कि equation, what is the equation? Equation का मतलब ये हो गया कि जिस किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर इक्वल का साइन यूज होता है, इक्वल का साइन यूज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहां x + 7 इक्वल टू 3, तो ये क्या हो गया आपका इक्वेशन हो गई x + 7 इक्वल टू 3 रहने तो ये आपकी हो गई इक्वेशन। बट अगर ये सिर्फ x + 7 ही लिखा हुआ होता तो फिर क्या होता? तो इन दैट कंडीशन ये पॉलीनोमियल है। क्या है पॉलीनोमियल? पॉलीनोमियल की अर्ली स्टेज इक्वेशन। अगर पॉलीनोमियल ऐसे लिखा हुआ होता ये पॉलीनोमियल हो गया। अगर मैंने x + 7 के इक्वल में 0 लगा दिया तो ये क्या बन गई इक्वेशन। आपने देखा होगा जब आप आगे की कक्षाओं में आएंगे, जब आप हायर हायर क्लासेस में आएंगे तो आप देखेंगे कि पॉलीनोमियल आएगा आपके, फिर इक्वेशंस को सॉल्यूशन करना भी आएगा। तो यहां पर बस सिर्फ सिंपल इक्वेशन की बात है। पॉली सिंपल इक्वेशन मींस लीनियर इक्वेशन, मतलब जिसमें आपके पास वेरिएबल जो होगा उसकी पावर भी क्या होगी 1 होगी, उसी को आप सिंपल इक्वेशन समझे। आपको आपके पास सिर्फ लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही सिंपल इक्वेशन है। For example, x plus 5 equal to 0, x 2x plus 7 equal to 0. तो यहाँ पर आप देखेंगे वेरिएबल आपके हमेशा सिंगल मिलेगा, इसीलिए इसको सिंपल इक्वेशन कहते हैं, लीनियर इक्वेशन से। यहाँ पर सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करने की फर्स्ट मेथड जो अपने पास है वो है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन में है बैलेंस मेथड। पहले क्वेश्चन कौन से बैलेंस मेथड, इसमें क्या करना है आपको कि यहाँ पर LHS एंड RHS लेफ्ट साइड एंड राइट साइड को बैलेंस करना है। बैलेंस का मतलब क्या हो गया कि मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ये है कि आपको वेरिएबल को फ्री करना है, वेरिएबल आपका सिंगल रहना चाहिए, वो बैलेंस मेथड है। फॉर एग्जांपल देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x का 7 इक्वल टू 15 है, यहां क्या है 7 किसका है प्लस का। अगर मैं इसमें से माइनस का 7 कर दूं, मतलब इस वाले इस केस से LHS से 7 को सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल सिंगल आ जाएगा, मतलब बैलेंस हो जाएगा। देखिएगा x का 7 माइनस 7 और इधर भी क्या करने का है माइनस, दोनों ही साइड से अपने क्या सब्सट्रैक्ट कर लिए 7 को सब्सट्रैक्ट कर दिया, सब्सट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ साइड, ओके माइनस 7 और माइनस 7। यहां पर तो 7 से 7 0 हो गया तो ऑनली क्या बच गया आपका एक्स, और 15 में से 7 गया तो आपका बच गया 8, कितना बच गया 8, तो आपकी वैल्यू क्या होगी एक्स इक्वल्स टू 8। इस तरीके से बैलेंस मेथड को आप सॉल्व कर रहे हैं। एज इट इज मैंने एग्जांपल में लिखा है x माइनस 3, यहां पर भी आपके सेकंड सेम क्वेश्चन पर इस बार यहां पर माइनस है तो आपको इस बार सब्सट्रैक्ट करने के बजाय क्या करना है एडिंग करना है, ऐड करना है इसको प्लस 3 को, तो अब क्या कर देंगे एडिंग 3 बोथ साइड, क्या हो जाएगा x माइनस 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 10 प्लस 3, माइनस का 3 प्लस का 3 0 हो गया और 10 प्लस 3 कितना होता है 30। तो काफी इजी मेथड है बैलेंसिंग मेथड, जिसमें आपको सिर्फ क्या करना होता है बैलेंस करना होता है और इन दैट कंडीशन क्वेश्चन आपका सॉल्व। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जिसका मल्टीपल है मल्टीप्लाई करो, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं आपको और लेकर बता देता हूं, जैसे y ओवर 2 इक्वल्स टू 3 आ गया। अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे आप, तो आप कुछ भी नहीं करना है, ये आपको टू इसमें डिवाइड करना है, तो आपने 2 का क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है मल्टीप्लाई 2 बहुत सारे, क्या हो जाएगा देखिए y ओवर 2 मल्टीप्लाई 2 बोथ साइड, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 से 2 कैंसिल y ओवर 2 3 2 से। अब अपन डिस्कस करते हैं इसकी सेकंड मेथड, पॉजिटिव है यस, आवर सेकंड मेथड इज ट्रांसपोजिशन मेथड। सिंपल सी लैंग्वेज में कहूं तो ये है आपके एज ए ट्रांसफर मेथड, आपको क्या करना है जो कांस्टेंट टर्म है उसको ट्रांसफर करना है। कैसे करते हैं देखिए आप, ट्रांसफर यहाँ पर 5x आपका वेरिएबल वेरिएबल के टर्म को एक साइड रखना है और कांस्टेंट टर्म्स को अदर साइड भेजना है। कैसे भेजेंगे देखिए, 5x तो यही रहेगा और 28 ऑलरेडी यही है, ये तो यही, और ये ट्रांसफर हो जाएगा 3 रुपये, तो प्लस का 3 है तो ये किसका हो जाएगा माइनस का 3, प्लस का क्या हो गया माइनस, देन 5x इक्वल्स टू 28 माइनस 3 25, सो x इक्वल्स टू 25.55। बहुत इजी मेथड है सेकंड मेथड की, दोनों ही मेथड काफी इजी है। इसको बैलेंसिंग मेथड से करना होता है कैसे करते आप कि मैंने क्या सिखाया आपको 5x + 3 = 28, यहां पर प्लस का 3 था तो आप दोनों ही साइड से क्या करते हैं माइनस 3
क्या हो जाता है आपका 3 3 0 28 3 क्या 25 और 6 25 और 5 5 तो दोनों ही मेथड आप यूज करो, सिंगल में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। सेकंड सॉल्यूशन देखिए आप इसका 9 है, ये माइनस का 8 उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का 8 उधर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। यहां पर नहीं तो आप क्या करेंगे इस एग्जांपल के अंदर प्लस को चलो माइनस की रहने दो, 28 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 8, तो m 9 इक्वल्स टू 28 प्लस आप 8 कर दो कितना हो जाएगा आपका 28 प्लस 8 46 सॉरी 36 and m equals to 36 upon 9 4, तो m की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 है। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन दिया है थोड़ा अलग टाइप का, इसमें आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप देखिए हम इसमें इस साल इसमें का एलसीएम ले, तो ये जो क्वेश्चन होगा आपका इस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, x upon 3 minus x upon 4 equals to 1, 4 3 जा 12 3 को 4 से डिवाइड करें कितना आएगा 4 टाइम 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, ऐसे में आने हम आपको आता है 4 को क्या से डिवाइड करेंगे 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x। एक बार वापस समझ लें, हो सकता है कि बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आ रहा हो, तो ये जो एलिमेंट होता है 3 और 4 का एलसीएम लेते हैं अपन 12 आएगा, इस एलिमेंट का इस 12 में डिवाइड करते हैं 3 1 जा 3 3 4 जा 12 4 टाइम गया 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन x से कितना हो जाएगा 4x, अगेन 4 को डिवाइड करते हैं 12 से 3 बार जाएगा 3 टाइम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x से कितना हो जाएगा 3x। अब यहां देखेंगे यहां पर 4x और 3x, 4x में से 3x गया तो क्या बचा ओनली x x upon 12 equals to 1। अब आप सिंपल सा इसके नीचे कुछ लेंगे तो क्या है 1, और सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब इस एलिमेंट को इससे और इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, x का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो x 12 का भी 1 से होगा तो x equal to 1 आ गया आपके पास 12 आ गया, इस तरीके से आपका ये सॉल्यूशन सॉल्व हो गया। मतलब इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क था, वो ये था कि लेफ्ट सिस्टम पर अपन क्या लिया था एलसीएम लिया, देन अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो अपन इसी यूनिट का नेक्स्ट टाइम इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज का वीडियो आपको अपलोड जल्दी ही करेंगे।